very precious FTI alumni, industry veteran, Mr. Pankaj Saxena Sahab, my media center colleagues, and extremely enthusiastic participants from, you know, all across Telangana, Andhra Pradesh, and nearby states. Once again, I welcome to all of you for this valedictory session. कैफी आजमी साहब का शायद आप सब लोगों ने नाम सुना होगा. एक बड़ी मशहूर नज़्म है कैफी साहब की, मैं ढूंढता हूँ वो जहाँ नहीं मिलता, नई ज़मीन नया आसमान नहीं मिलता. आई एम श्योर आप सब लोगों को यहाँ पे नई ज़मीन ऑलरेडी मिल चुकी है, और नई ज़मीन जब हम लोग के पास में तो नया आसमां तो मिलना ही है. फर्दर कैफी साहब थॉट को आगे बढ़ाते हैं और फिर बयान करते हैं. वो मेरा गांव, वो मेरे गांव के शोले, जिनमें शोले तो शोले धुआं नहीं मिलता. सो आई एम श्योर पंकज साहब ने जो चिंगारी आप सब लोगों के सीने में डाली है, दिस विल गो लॉन्ग वे सर्विंग यू नो दिस सिनेमा हिस्ट्री ऑफ इंडिया. मैंने बड़ा डिलिबरेटली पंकज साहब को बोला वेरी प्रेशियस एफटीआई एलुमनाई. ये बड़ा दिल जिगर का काम है कि एफटीआई से पास आउट होने के बाद में यू नो यू आर टेकिंग दिस मोमेंट फॉरवर्ड. फिल्म एप्लीकेशन का एक जो सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी प्रोफेसर सतीश बहादुर से, आई थिंक मैनी ऑफ यू नो दिस नेम. और जितनी खूबसूरती से पंकज सक्सेना जी ने उसको बड़ा खूबसूरत एक मोड़ दिया, जो खाली लिमिटेड थी एफटीआई के कैंपस तक, आज पूरे इंडिया में वीकेंसी फिल्म एप्लीकेशन कोर्स इज हैपनिंग. एब्सोल्युटली रिमार्केबल. पांच दिन का ये सफर कैसे खत्म हुआ, मैंने सोचा था कि मेरा ज्यादातर टाइम मेरे ऑफिस में गुजरेगा, लेकिन दी वे सेशंस वर प्लान्ड बाय पंकज जी और मुनीश जी, सो आई ट्राइड स्पेंडिंग यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम विद पार्टिसिपेंट्स हियर. मैं खुद फिल्म स्टूडेंट रह चुका हूँ, सारी चीजें ऑलरेडी मेरी पढ़ी हुई थी, बट लेकिन 18-19 साल के बाद में भी सारी चीजें दोबारा एकदम नए तौर से मेरे सामने आ रही थी. यही खूबसूरती है सिनेमा की. मेरे घर में मेरा वार्डरोब, कबोर्ड, सब जगह मतलब सिनेमा की बुक्स आपको मिलेंगी वहां पे. इट्स नॉट इजी कि पांच दिन के अंदर इतना सब कुछ आप लोगों को पढ़ा दिया जाए सिनेमा के बारे में. बिकॉज आई हैव बीन फिल्म स्टूडेंट, आई नो यू नो व्हाट काइंड ऑफ सर्विस यू पीपल हैव बीन डन इन लास्ट फ्यू डेज, बट स्टिल कुछ क्वेरी जरूर आप लोगों की रह गई होंगी. बट जिस फायर की बात डायरेक्टर एफटीआई ने इनॉग्रल सेशन में की थी, आई एम श्योर वो फायर ऑलरेडी बंद हो चुकी है. कई लोगों के बार बार क्वेश्चंस आ रहे थे कि कुछ ग्रेट फिल्म्स के बारे में बताया जाए, मे बी 10 ग्रेट फिल्म्स और 100 ग्रेट फिल्म्स या 100 ग्रेट डायरेक्टर्स. सो सबका कोर्स का देखने का एक्सप्रेस करने का तरीका अपना अलग अलग है. फिर भी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ यू नो फॉर ऑल ऑफ यू आई प्रपोज एक बड़ा प्यारा सा एक फिल्म ई जर्नल है, आप सब लोग लिख लीजिएगा. आई थिंक मैनी ऑफ यू ऑलरेडी नो दिस सेंसेस ऑफ सिनेमा. ये ऑस्ट्रेलिया से निकलता है और एक ग्रीक फिल्म मेकर है, उन्होंने इसका फाउंडेशन रखा. यहाँ पे आपको सिनेमा का ज्यादातर वर्ल्ड सिनेमा का पूरा हिस्ट्री यू नो बेस्ट ऑफ फिल्म मेकर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस ग्लोब और उनका जो भी बेस्ट ऑफ वर्क है सब आपको एक जगह देखने के लिए मिल जाएगा. और टाइम टू टाइम यू नो दे कीप ऑन डूइंग पोल्स एवरी ईयर, 100 ग्रेट फिल्म्स और मे बी 100 ग्रेट फिल्म क्रिटिक्स, 100 ग्रेट फिल्म डायरेक्टर्स, वो बार बार सामने आता रहता है उस इस वेबसाइट के ऊपर. इसे क्वार्टरली फिल्म जर्नल बड़ा ही, मेरा अपना खुद एक रिसर्च रहा है फिल्म स्टडीज के ऊपर, तो I have not seen you know such a beautiful film in general in my lifetime.
साइट एंड साउंड है, नो डाउट एक इज एन आउटस्टैंडिंग बीएफआई फिल्म जर्नल, बट साइंसेज ऑफ सिनेमा को आप एक बार जरूर दिखेगा, आई थिंक आपके बहुत सारी क्वेरीज वहां पे भी आपको मिल जाएंगी, उनके आंसर मिलेंगे जरूर उधर। कोर्स जब हम लोग ये प्लान कर रहे थे, डायरेक्टर एफटीआई ने शुरू में बताया था कि कितना इसको, तकरीबन 7-8 महीने कोर्स को प्लान करने में लग गए। जैसे एक फिल्म का हिस्ट्री होता है कि 2 घंटे में हम एक फिल्म का जजमेंट दे के चले आते हैं कि फिल्म बुरी है या अच्छी है, द सेम वे यू नो द हिस्ट्री ऑफ दिस कोर्स ऑल्सो एग्जिस्ट, किस तरीके से किन मुश्किलात से हम लोगों ने इस कोर्स को प्लान किया इस कैंपस में, और वो सारी डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करते हुए उधर भी इंस्टीट्यूट में इधर भी सबको ओवरकम करते हुए फाइनली वी सॉर्ट ऑफ मेड इट एक्चुअली। और अब क्योंकि एक फाउंडेशन ऑलरेडी यहाँ पे रखी जा चुकी है और हायर लेवल पे बात भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, वी आर गोइंग टू रोल यू नो मोर शॉर्ट कोर्सेज एट दिस कैंपस। सो दीदी कोर्सेज जो यहाँ पे डायरेक्टर एफटीआई ने फर्स्ट डे डिस्कस किया आप सब लोगों से, आई थिंक वी विल रोल ऑल दोज शॉर्ट कोर्सेज वन बाय वन फॉर ऑल ऑफ यू। एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सब लोगों से, क्योंकि अब रियल जर्नी आई थिंक आप लोगों का एक जो भी फ्रेगमेंटेड नॉलेज हमारे पास था एक थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में पंकज जी और मुनीष जी ने उसको 5 दिन में आपके सामने रखा, आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट स्ट्राइव टू यू नो प्रोपगेट दिस नॉलेज, चाहे आपको प्रोफेशन में आगे जाना है, प्रोडक्शन करना है, या आपको राइटिंग करना है, या क्रिटिक बनना है आपको, बट ऑल ऑफ यू मस्ट स्टार्ट यू नो इम्प्लीमेंटिंग दिस नॉलेज फ्रॉम टूडे और टुमारो ऑनवर्ड्स नाउ। सो दैट इज द मेन थिंग, दैट विल बी द मेन टेक अवे ऑफ दिस कोर्स। सो लेट अस स्टार्ट शेयरिंग दिस नॉलेज यू नो विद ऑल योर फ्रेंड्स मे बी at home or at your university, hostel, whatever you can share this knowledge now. So I wish you all the best. I'm sure you must have enjoyed this course. We don't say ke aapko sab kuch 5 din mein bata diya gaya hai yahan pe, but we are sure many of your queries have been answered here, and we have been able to sort of inculcate you know a film culture amongst all of you. I thank you once again for your time, your precious time which you have given to all of us for 5 days, and I wish you all the best. Thank you so much.